मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकदा नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकदा नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के। Welcome to Like My Channel and how are you? I am also fine. तो आज में माय साइको हस्बैंड का पार्ट 11 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले के पार्ट में हमने देखा था कि शुगर कैरी करके जिमल को हॉस्पिटल लेकर गया था। अब आगे फिर शुगर जिमल को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है। डॉक्टर डॉक्टर यहाँ आइए क्विकली, जस्ट कम क्विक। अरे क्या कर रहे हैं आप? आइए तो डॉक्टर, क्या कर रहे हैं? अरे आप देखिए, ये मेरी वाइफ है, वो आंखें नहीं खोल रही है। जस्ट चेक, उसको कुछ होना नहीं चाहिए डॉक्टर, शी शुड बी फाइन। मेरा स्टेथोस्कोप छोड़िए प्लीज, तभी मैं उन्हें चेक कर पाऊंगा। आई एम सॉरी आप। सॉरी डॉक्टर, बट आप देख लीजिए मेरी वाइफ को क्या हुआ है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। ओके ओके फाइन, आप रिलैक्स हो जाइए, आप बाहर जाइए, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि आप मेरी बीवी का कैसा चेकअप करते हैं, अच्छे से करते हैं या फिर नहीं। देखिए, अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो मैं चेकअप नहीं कर पाऊंगा, आप पहले बाहर जाइए तभी तो मैं कर पाऊंगा। ये तो क्या कर रहा है शुगर, डॉक्टर को अपना काम करने दे, मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर शुगर वहाँ से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेकअप करके बाहर आते हैं और शुगर उनसे कहता है, डॉक्टर शी फाइन ना? वो इनकी मेन नस कट गई है जिसकी वजह से उनका बहुत ब्लड बाहर निकल गया है और उनकी खून की कमी हो गई है। पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, सो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरी वाइफ ठीक है, तुम क्या करोगे कैसे करोगे आई डोंट केयर, मेरी वाइफ मुझे सही सलामत मेरे पास चाहिए, समझे तुम? एंड हाँ, ये जान लेना, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारा पूरा हॉस्पिटल बर्बाद कर दूंगा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, समझे कि मैं कौन हूँ? और हाँ, मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो तुम जानते जाओगे। देखिए, अगर आप मुझे ऐसे डराते रहे ना तो मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। देखिए डॉक्टर, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरी वाइफ ठीक हो जाए। उनका हाथ देखकर लगता है कि ये सुसाइड केस है और जब तक यहाँ पर पुलिस नहीं आएगी तब तक कि मैं ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकता। ओह, तो ऐसी बात है, तो तुम बताओ कि तुम्हें तुम्हारी जान इम्पोर्टेंट है या फिर पुलिस का आना? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ अभी बताता हूँ। फिर शुगर अपनी गन निकालता है और डॉक्टर के सर पे पॉइंट कर देता है। हाँ तो अब बताओ, ट्रीटमेंट करोगे या फिर नहीं? ये गन कहाँ से आया आपके पास? लास्ट बार बोल रहा हूँ कि करोगे या फिर नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तब पहले से हटाइए। फिर शुगर डॉक्टर के सर से गन हटा देता है। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? ज्यादा दिमाग मत चला और जाकर डॉक्टर वाला काम करो, तुम डिटेक्टिव बनने की कोशिश मत करो और मेरी बीवी को बचाओ। ओके ओके मैं जाता हूँ। फिर डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। ये तुमने क्या किया जिमिन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ लेकिन तुमने इतना कुछ कर लिया। तुमने ये पर भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगा। शुगर रूम से बाहर खड़ा होता है और वो जिमिन को दूर से देखा करता है। हॉस्पिटल में है? क्या हॉस्पिटल? क्या हुआ उसे? क्या हुआ शुगर? जिमी ठीक तो है ना? चलो हम भी चलते हैं। आप लोग
तो घबराइए मत, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। फ्रूट काटते वक्त उसका हाथ कट गया था, इसलिए ड्रेसिंग करवाने गई। वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है, हमेशा काम में लगी रहती है। मैंने उसे इतनी बार मना किया कि काम मत करो, मैं रह घर पे। फिर भी मैंने उसे कितनी बार मना किया कि किचन में मत जाया करो, फिर भी हो जाती है। मैं ऑफिस में था और उसने कॉल करके बता दिया था, इसलिए मैं घर पे आया था और मैं जा रहा था हॉस्पिटल। ओ ऐसी बात है, मैं तो डर ही गई थी। जिम कुक हम लोग हमेशा गलत टाइम पे आते हैं, जिमिनी यहाँ पर रहती ही नहीं है। अरे शुगर तुम अभी नहीं जानते हो, मेरी जिमिनी ऐसी है, वो कुकिंग में लगी रहती है, उसे कुकिंग करना बहुत पसंद है। जब भी हम लोग पहुँचते हैं जिमिनी यहाँ से गायब रहती है, आज भी है। कोई बात नहीं, हम लोग बाद में आएंगे। शुगर अब हम लोग चलते हैं। नहीं नहीं आप लोग अभी आए हैं और अभी जा रहे हैं, नहीं जिमिनी से मिलकर जाइएगा। थैंक यू सो मच शुगर, बट हम लोगों को जाना होगा, घर पे कोई नहीं है ना इसीलिए। और यहाँ पर पास में ही मेरी एक मीटिंग थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया था वी को लेकर कि मैं जिमिन से मिलवा दूंगा, लेकिन जिमिन यहाँ पर है ही नहीं, वहाँ लोग बाद में आएंगे। अच्छा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। बाय शुगर, अपना और जिमिन का ख्याल रखना। ओके बाय, आप लोग भी ध्यान से जाना। फिर टेकू वहाँ से चले जाते हैं और शुगर सीधे हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर मेरी वाइफ ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया है, आप उन्हें चाहे तो घर ले जा सकते हैं। क्या सच में डॉक्टर? थैंक यू सो मच, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, आपने मेरी बहुत बड़ी चीज मुझे लौटा दी है। नो नो आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, इट्स माय ड्यूटी। तो क्या अब मैं अपनी वाइफ को घर ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैंने आपकी फीस दे दी है। थैंक यू सो मच, बट आप थोड़ी देर रुक जाइए, पुलिस आती होगी। शुगर जाने लगता है, लेकिन वो पुलिस का नाम सुनकर वापस पलटता है। पुलिस? पर वो क्यों आएगी यहाँ पर? अरे मैंने आपको बताया था ना कि ये सुसाइड केस है, इसमें पुलिस आएगी। मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर पुलिस नहीं आएगी और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, समझे तुम? पर सर ये तो सुसाइड केस है ना, इसमें पुलिस जरूर आएगी। ओके फाइन, पुलिस के साथ साथ तुम्हारी मौत भी तुम्हारे पास आएगी और तुम आज मरोगे। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें मौत को लाना है या फिर पुलिस को। अब मेरी जान के पीछे क्यों पड़े? मैंने तो आपकी वाइफ के लिए कहा था। तुम्हें ज्यादा मेरी वाइफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। करनी है तो अपनी जान की फिक्र करो, अब मैं चलता हूँ। और ये बात अगर पुलिस तक पहुँची तो तुम नहीं बचोगे। ओके सर, ये बात पुलिस को नहीं पता चलेगी, बस आप मेरी जान के पीछे मत पड़िए, आप अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाइए। गुड, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, अब मैं चलता हूँ, बाय। इतना बोलकर शुगर जिमिन को लेकर अपने घर चला जाता है। ओह माय गॉड, आज तक मैंने इतना साइको आदमी कभी नहीं देखा। एक लड़की के पीछे ये इतना साइको है, कोई अपनी वाइफ के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है? ये तो एकदम साइको है, लगता है अपनी वाइफ से हद से ज्यादा प्यार करता है, जो कि उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। पता नहीं इसकी वाइफ इसको कैसे संभालती होगी। वैसे मुझे क्या, मैं तो चलता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर भी वहाँ से चला जाता है। तुझे हासिल करूंगा ये जिद है, चाहे कुछ भी करे ये जहां, मैं लिखूंगा ये तकदीर तेरी, चाहे कुछ भी लिखे आसमां। शुगर जिमिन को देखे आता है कि तभी उठने में जिमिन उठ जाती है। शुगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं जिंदा कैसे हूँ? ओहो बेबी, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछे छुड़ा लोगी? तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मानने दूंगा। I'm sorry शुगर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। जान तुम्हें मरने का बड़ा शौक है ना, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, I swear। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें हर्ट ना करके भी तुम्हें हर्ट करूंगा। हाँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि आज से तुम एक भी गलती करोगी तो उसकी सजा एक इनोसेंट इंसान को मिलेगी, समझे तुम? क्या इनोसेंट को? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कि मैं आज से हर एक इनोसेंट को लेकर आऊंगा और तुम्हारी आंखों के सामने उसे मारूंगा, और मैं जहाँ तक अपनी जान को जानता हूँ वो दूसरों की तकलीफ देख नहीं सकती, क्यों है ना जिमिन? इनोसेंट? ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेबी मुझे पता था कि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। क्या तुम करने क्या वाले हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हें लाइव दिखाने वाला हूँ। पहली गलती कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की, और मेरे ऊपर क्या बीत रही थी तुम्हें नहीं पता। तुमने एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी और मैं कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, ऑक्सीजन तुम्हारे वहाँ पर लगा था लेकिन सांस मुझे यहाँ पर नहीं आ रही। कुल मिलाकर तुम बस इतना समझ लो कि तुम मेरी जान हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। एंड हाँ, तुम अपने आप को हर्ट करने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम्हारी गलती की सजा एक इनोसेंट को मिलेगी। तुमने गलती की है तो उसकी पनिशमेंट एक इनोसेंट को मिलेगी। तुम ये रुको, मैं तुम्हारे गिफ्ट लेकर आता हूँ। फिर शुगर वहाँ से चला जाता है। हाँ शुगर मुझ पे गुस्सा है या फिर नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब शुगर क्या करेगा? फिर शुगर एक मैन को लेकर आता है जो रस्सियों से बंधा होता है। हाँ शुगर ये सब क्या है? अरे जान अभी तो बताया कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या पर तुमने इसे रस्सियों से क्यों बांधा है? देखो जिमिन, ये तो तुम्हें भी पता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत ज्यादा बड़ी, और उसकी पनिशमेंट इस इनोसेंट को मिली। तुमने जो काम किया था ना उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया था, और मैं अपना गुस्सा तुम पे तो नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं तुमसे प्रॉमिस किया, और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन
में शुगा जिमी से झूठ बोल रहा है, ये कोई इनोसेंट नहीं है, ये एक क्रिमिनल है जो कि शुगा का दुश्मन है। शुगा किसी इनोसेंट को नहीं मार सकता, इसीलिए वो जिमी से झूठ बोल रहा है कि ये एक इनोसेंट है। शुगा ये तुम क्या कर रहे हो, वो इनोसेंट है, उसे क्यों मार रहे हो? देखो जान, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि अगर अब तुम कोई गलती करोगी तो उसकी पनिशमेंट एक इनोसेंट को मिलेगी, और तुमने गलती की तो उसकी पनिशमेंट तो उसे मिलेगी। और तुम बैठो। फिर शुगा इलेक्ट्रिक शॉक निकालता है और जिमी को बैठा लेता है। अब तुम सिर्फ नजारा देखो कि मैं क्या करता हूँ उसके साथ। शुगा प्लीज ऐसा मत करो, तुम शांति से वहाँ पर बैठो और नजारा देखो। फिर शुगा क्या करता है ये आप खुद ही देख लो। Drop the attic, give me love.